काट कर बेडरूम में रखें और अगले दिन कमाल देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नींबू काट कर बेडरूम में रखने से क्या कमाल होता है तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमत्कारी टोटके, चमत्कारी उपाय, असरदार उपाय, कुछ ऐसे असरदार टोटके जिन्हें अपना कर आप अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि नींबू काटकर बेडरूम में रखने से क्या कमाल होता है। दोस्तों, अगर आप सुबह एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं तो 2 या 3 नींबू काटकर अपने बेड के पास रख लें। हर दिन ये नियम अपनाएं और फिर देखें फर्क। नींबू की खुशबू बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नींबू को घर में और भी कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नींबू काटकर बेडरूम में रखने से बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल आती है। इससे आपको बेडरूम में रूम फ्रेशनर जैसे स्प्रे का रोज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बेडरूम में नींबू की खुशबू से अस्थमा और सर्दी जुकाम जैसे रोगों से परेशान लोगों को सांस लेने में भी आसानी होती है और अगले दिन उन्हें बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बालों के हेयर कलर से आप बोर हो गए हैं तो उसे छुड़ाने के लिए नींबू का रस लगा सकते हैं। नींबू में मौजूद एसिड से कलर फेड हो जाता है। तीसरा उपाय है दोस्तों कि अगर एप्पल काटने पर वो भूरा रंग का होने लग जा रहा है तो आप उस पर नींबू के स्लाइस काट कर रस लगा सकते हैं। चुकंदर का कलर अगर नहीं जा रहा है तो नींबू का टुकड़ा रगड़ें और हाथों को धो लें, इससे चुकंदर का रंग आसानी से चला जाएगा। दोस्तों, एक कटोरी पानी में कुछ नींबू की स्लाइस डालकर माइक्रोवेव में रखें और उसे ऑन कर दें। अगर आपके माइक्रोवेव में स्मेल हो गई है तो ये तरीका अपना कर आप माइक्रोवेव के अंदर की स्मेल को निकाल सकते हैं। कपड़े पे लगे दागों पर लेमन और बेकिंग सोडा मिला के रगड़ने से दाग चले जाते हैं। सफेद कपड़े अगर आपके पीले पड़ गए हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए नींबू पानी में डुबो के रखें, दाग आसानी से चले जाएंगे और सफेद कपड़े वापस से सफेद होकर चमकने लगेंगे। प्लास्टिक की बोतल या लंच बॉक्स में लगा ऑयल छुड़ाने के लिए रात भर नींबू पानी में डुबोकर रखें, सुबह बेकिंग सोडा से क्लीन कर लें। आपके जो बर्तन हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या स्टील के हों, उनमें से तेल आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल आप अपनी कोहनियों और घुटनों पर रगड़कर उनका कालापन भी दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली शाइन करें तो बालों में शैम्पू करने के बाद एक नींबू का रस निकाल कर बालों में कुछ देर के लिए लगाएं और फिर सादे पानी से बालों को धो दें। इस तरह से करने से बालों में पूरी तरह से शाइन आ जाएगी और जल्दी ही गंदे भी नहीं होंगे। दोस्तों, नींबू का आखिरी उपाय है कि अगर आपके गहने चमक नहीं रहे हैं तथा किसी वजह से धुंधले पड़ गए हैं तो आप गहनों को फिर से नई चमक दे सकते हैं नींबू के इस्तेमाल से। इसके लिए आपको पहले उन्हें पानी में गीला करना है और फिर नींबू के छिलकों से रगड़ना है, इससे आपके पुराने गहनों में फिर से चमक वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे नींबू के कुछ असरदार उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे दूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह के उपाय जानने के लिए देखते रहिए चमत्कारी टोटके चैनल।